गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसा कि हमने आपको एक शॉर्ट नोट्स आपको ग्रुप में डाल दिया हुआ है, उस ग्रुप का नोट्स आप देख सकते हो, अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद से उसी का एक्सप्लेनेशन हम करने चल रहे हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के किसी भी कार्य को करने के बाद वह जहाँ डिस्प्ले होता है उसी को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कंप्यूटर के वे सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डेटा के बाद के डेटा को डिस्प्ले कराने का कार्य करे उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगर हम प्राइमरी आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आपका मॉनिटर प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का सभी डेटा का जो पहला आउटपुट होता है वो सीधे के सीधे मॉनिटर पर ही डिस्प्ले करता है, जिससे मॉनिटर के डिस्प्लेइंग डेटा को हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में डिफरेंट में समझा जाए, सॉफ्ट कॉपी का मतलब स्क्रीन के डेटा को सॉफ्ट कॉपी, जबकि पेपर पर प्रिंटेड डेटा को हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रिंटर, अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस को थोड़ा सा डीप जाने की। आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो आउटपुट डिवाइस बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्पीकर और चौथा प्लॉटर होता है। बात करते हैं मॉनिटर्स की। मॉनिटर एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है जो जिसको हम लोग वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर में एक साथ 256 कलर को डिस्प्ले किया जा सकता है। ये 256 कलर आरजीबी फंक्शन के थ्रू बनते हैं। आरजीबी का पूरा नाम रेड ग्रीन ब्लू, मीन्स कि दुनिया के किसी भी कलर को अगर बनाना हो तो रेड ग्रीन ब्लू का अगर यूज किया जाए तो उसको हम इजीली कलर हम मतलब मेकिंग कर सकते हैं। बात करते हैं मॉनिटर्स के, तो मॉनिटर बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब पूरा नाम होता है। अब सीआरटी क्या होता है, जो बड़ा वाला मॉनिटर जो आज से 20-25 साल पहले जो टेलीविज़न में यूज हुआ करता था, फिर उसके बाद उसको कंप्यूटर में भी यूज किया गया, तो उस बड़े स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं, सीआरटी कहते हैं। बात करते हैं टीएफटी, जिसका पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। तीसरा होता है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। चौथा होता है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, जो करंट सिनेरियो में हर घरों में आप एक फ्लैट टीवी जो किसी भी दीवार पे कॉर्नर पे इजीली हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। अगला होता है पांचवा ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका प्रयोग सिनेमा घरों में मॉनिटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। बेसिकली यह मॉनिटर बड़े बड़े महानगर सिटीज़ में यूज हुआ करते हैं। अभी हमारे यहाँ गोरखपुर में इसका कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, किसी भी सिनेमा हॉल में ऐसे मॉनिटर्स अभी गोरखपुर में नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर एक सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में तब यूज़ किया जाता है जब हमें कोई डेटा पेपर पर प्रिंट करना होता है। प्रिंटर बेसिकली प्रिंटर के आउटपुट को हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। और प्रिंटर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर जो केवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है, चाहे वो बड़ी प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे छोटी प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे शॉप हो वगैरह वगैरह। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पर्सनली यूज़ के लिए किया जाता है, जो हम लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं नॉर्मली घरों में या छोटे मोटे ऑफिस में, वो सभी प्रिंटर जो होते हैं नॉन इम्पैक्ट के कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट की बात करें स्पीकर, स्पीकर एक सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के म्यूज़िक को सुनाने का काम करता है। यानी कंप्यूटर में किसी भी आप ऑडियो वीडियो प्ले करते हो तो उसका जो वॉइस होता है जिसके थ्रू बाहर निकलता है उसी को स्पीकर कहा जाता है। तो कंप्यूटर में स्पीकर जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक एनालॉग स्पीकर होता है जो डीजे वगैरह पार्टी में जो बड़े बड़े एनालॉग स्पीकर दिखने में साइज़ में बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये वाइब्रेट करते हैं, तो ये डीजे का एग्जांपल ले सकते हैं। और दूसरा होता है डिजिटल स्पीकर जो दिखने में एकदम छोटा होता है लेकिन साउंड बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन लैपटॉप में यूज़ होने वाले स्पीकर। इसके अलावा
सिनेमाघरों में, स्टैंडर्ड सिनेमाघरों में यूज़ होने वाले छोटे छोटे स्पीकर्स, ये सभी डिजिटल स्पीकर होते हैं, यानी दिखने में छोटे होते हैं, स्पीकर की क्वालिटी और वॉइस की क्वालिटी एकदम HD क्वालिटी की होती है, हाई डेफिनेशन वाली क्वालिटी पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो प्लॉटर एक सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस होता है, यह प्रिंटर का ही एक रूप है, लेकिन प्रिंटर चूँकि छोटे स्तर पर यूज होता है, प्लॉटर जो है बहुत बड़े स्तर पर यूज होता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन, ग्राफिक्स, इमेजेस, एनिमेशंस के डेटा को प्रिंट करना होता है, तो हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर की एक सबसे खास बात यह है कि प्लॉटर पेपर पर नहीं प्रिंटिंग कर सकता है, बाकी किसी भी मटेरियल पर वह प्रिंट कर सकता है, केवल पेपर को छोड़कर। तो प्लॉटर आपका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप शहरों में, गाँव में फ्लैग्स, बोर्डिंग, बैनर वगैरह जितने भी आप देखते होंगे बड़े बड़े रोड के किनारे लगे एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ से, वो सभी के सभी प्लॉटर के द्वारा ही प्रिंट किया गया होता है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, बाकी के क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।